हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लेमिंग लाइफ विद सुधा। आज की वीडियो मैं सुबह शुरू कर रही हूँ, जहाँ पर मैं बना रही हूँ बेटी के लिए काढ़ा रेसिपी। काढ़ा जिसमें मैंने सौंफ, धनिया, काली मिर्च पाउडर, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची डाली है और अदरक कूट के डाला है। और इसके साथ थोड़ा सा मीठा करने के लिए, क्योंकि बच्चे पीते नहीं हैं, तो उसमें मैंने जैगरी पाउडर ऐड किया है, तो बच्चे अच्छे से पी लेते हैं। तो हल्का सा उससे वायरल कोल्ड है, तो उसके आराम के लिए मैंने दिया है। और बेटी यहाँ पे स्कूल जा चुकी है अपना टिफ़िन लेके, ब्रेकफास्ट करके, काढ़ा पीकर। और इसके बाद मैं यहाँ पर दही जमाती हूँ मॉर्निंग में। तो गर्मी का टाइम है, तो सुबह 7 साढ़े 7 तक मैं दही जमा लेती हूँ, तो हमें लंच में दही खाने के लिए मिल जाता है। 4 घंटे में गर्मी में दही जमकर सेट हो जाती है। तो यहाँ पर जो रात का उबाला हुआ दूध है, उसकी जो मलाई यहाँ पे पड़ी है, वो मलाई कलेक्ट कर रही हूँ, जिसकी मैं बनाती हूँ मक्खन। और फिर उसके बाद बनता है इसका घी। मॉर्निंग में बेटी भी लेती है 1 गिलास दूध, लेकिन आज उसको जुकाम था, हल्का सा गले में खराश थी, तो काढ़ा बना के दिया, दूध नहीं दिया, तो दूध थोड़ा बचा हुआ है। और मम्मी पापा भी बाहर गए हैं, तो दूध थोड़ा सा ज़्यादा बच जाता है। लेती हूँ मैं 2.5 किलो दूध, जिसमें 1 लीटर गाय का दूध होता है और 1.5 लीटर यहाँ पर भैंस का दूध होता है। भैंस का दूध हम दही जमाने के लिए यूज़ करते हैं, और गाय का दूध चाय बनाने के लिए या फिर थोड़ा सा पीने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे दूध को गर्म करके ठंडा कर लिया है। दही जमाने के लिए दूध का टेम्परेचर गुनगुना होना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में कभी जमाती हूँ दही को, या फिर कभी मैं कांच के बर्तन में दही को जमाती हूँ। मिट्टी के बर्तन में दही जमाने से हमें काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, और दही बहुत अच्छे से सेट होती है। तो मिट्टी के बर्तन में जमाए दही जल्दी खट्टी भी नहीं होती है, और गर्मी के मौसम में दही 4 से 5 घंटे में सेट हो जाती है। तो अगर आप 1:30 से 2 बजे लंच करते हैं या 1 बजे लंच करते हैं, तो सुबह 7 बजे दही जमाएंगे, तो आपकी दही जम के तैयार हो जाएगी। और खाने से पहले दही को फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। थोड़ा सा किचन का काम निपटाने के बाद यहाँ पे जो मेरी हेल्पर है, जो क्लीनिंग हाउस क्लीनिंग के लिए आ जाती है, तो जब वो झाड़ू मारती है, तो जब वो दूसरे कमरे में रहती है, तो मैं साथ के साथ डस्टिंग कर लेती हूँ। तो आज सोफ़े के ऊपर जो कवर डाला है, उसकी डस्टिंग कर रही हूँ, उसकी धूल मिट्टी साफ़ कर रही हूँ। सोफ़े पर जो थोड़ा सा डस्ट होगा, उसकी धूल मिट्टी साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकिए का पुराना खोल कवर लिया है, जो कॉटन का होता है। तो अगर आपके पास भी पुराना तकिए का थोड़ा सा फटा हुआ कॉटन का कवर है, तो उसे रख लें इस तरह की सोफ़े पर, या किसी भी तरह की डस्टिंग के लिए बहुत अच्छे से डस्ट होता है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने तकिए खोल के कवर के साथ सारे सोफ़े की डस्टिंग अच्छे से कर ली है। और अगर आपके पास सोफ़े का कवर बहुत पतला सा नेट वाला सिल्की है, जो सोफ़े पे स्प्रेड करने के बाद, सेट करने के बाद जल्दी खिसक जाता है, तो आप ज़रूर उसे, अगर सोफ़े के बीच में जो गैप होता है उसमें टक कर दें, तो वो जल्दी रिमूव नहीं होता है। तो यहाँ पर सोफ़े के अंदर टक करने के लिए, हाथ के कंपेयर में आप अगर किचन का अपना कोई फ्लैट वुडन स्पेचुला लेते हैं, और उसके थ्रू आप सोफ़े कवर को सोफ़े के गैप के अंदर टक करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, और उठते बैठते हुए भी वो जल्दी अंदर से निकलता नहीं है और खिसकता नहीं है, और इसकी फिनिशिंग ख़राब नहीं होती है। तो ज़रूर आपके पास अगर इस तरह का कवर आप डालते होंगे सोफ़े के अंदर, अगर आप आज तक हाथ के थ्रू, मतलब पाम के थ्रू अंदर डाल के इस तरह से करते आए हैं, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो अगर आप इस तरह से वुडन स्पैचुला के थ्रू, वुडन स्पैचुला आपका बिल्कुल पतला वाला फ्लैट होना चाहिए, तो इस तरह से अगर आप करते हैं, तो बहुत ईजिली हो जाता है, बहुत कंफर्टेबली हो जाता है, और आपका सोफ़ा कवर सोफ़े के अंदर बहुत अच्छे से टक हो जाता है। तो आज के बाद अगर आपने कभी ये टिप फॉलो नहीं किया है, तो ज़रूर करें, आपको यूज़फुल लगेगा। तो यहाँ पर मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, सोफ़ा और सोफ़े कवर के साथ डस्टिंग हो चुकी है। चलते हुए मैं किचन की तरफ, जहाँ पे मैं कल इससे पहले कि शाम को राशन लेके आई थी, तो जो मैं अपने कपबोर्ड में रखने जा रही हूँ, जहाँ पे मैं कुछ राशन के पैकेट्स रख देती हूँ, और जब यूज़ होता है तो निकालती हूँ, यहाँ पर जो मैंने सामान लिया है राशन में वो दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ नूडल्स के पैकेट लिए हैं, और ये है यहाँ पर बिना लकड़ी वाला, यानी कि विदाउट स्टेम होल रेड चिल्ली है, तो जो काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैं कैच का लेती हूँ, कैच का इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और यहाँ पर भी ये नूडल्स है, सूपी नूडल्स, थोड़े बच्चे कभी अगर छोटी भूख लगती है, मन करता है, तो खा लेते हैं। और ये फॉर्चून का बेसन है, और ये शक्ति भोग का सूजी है, और ये एवरीडे मॉल का जीरा है, साबुत जीरा। और यहाँ पर टाटा संपूर्ण का चिल्ली पाउडर है, रेड चिल्ली पाउडर, और ये हल्दी पाउडर भी मेरा ख़त्म हो गया था, तो ये लिया है मैंने। और यहाँ पर है ये मैदा, सूजी, बेसन मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मेरा कुकिंग चैनल भी है, तो कब क्या रेसिपी मुझे बनानी पड़ जाए, तो मैं ये सारी चीज़ें थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ज़रूर रखती हूँ।
यहाँ पे एक मोटी वाली शुगर ली है जो बहुत क्लीन है, और एक बहुत बारीक वाली ली है जो मैं दही में अक्सर दही में जब लेती हूँ थोड़ा सा मीठा खाती हूँ, तो वो फाइन शुगर है जो बहुत क्रिस्टल लुक में है, बहुत साफ़ सुथरा होता है, तो उस पर्पज़ से मैं ये लेके आती हूँ। अगर बेटी भी दूध पीती है तो ये वाला चीनी ही हम यूज़ करते हैं। मोटी चीनी को हम अगर कोई मिठाई बना रहे हैं या कोई चाशनी बना रहे हैं तो उसमें यूज़ करती हूँ। और साथ के साथ मैं इस जो मैंने ओपन किया है बिल्कुल बारीक वाली क्रिस्टल वाइट चीनी को वो ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ डिब्बे में, जो पहले से भी मेरा डिब्बा इसी पर्पज़ के लिए था। चाय में हम लोग जैगरी पाउडर यूज़ करते हैं, चीनी का यूज़ नहीं करते हैं। जब भी आप कोई डिब्बे में कोई सामान ट्रांसफ़र करते हैं तो डिब्बे को उसी टाइम वाइप ऑफ कर लें। एक मॉइस्चर वाला कपड़ा लें किचन का और बिल्कुल निचोड़ा हुआ पानी इसमें ना हो अच्छे से क्लीन कर लें उसी टाइम, तो आपका डब्बा उसी टाइम साफ़ सुथरा हो जाएगा और आप उसके उसकी जगह पर रख दें। यहाँ पर मैंने पुदीना लिया है एक गुच्छी, जिसे मैंने साफ़ करके धो के स्टोर करने जा रही हूँ फ्रिज में। हफ्तों स्टोर रहता है, पत्ते काले नहीं पड़ते हैं। नीचे नैपकिन पेपर लगा दिया है, ऊपर नैपकिन पेपर लगा दिया है, ढक के एयर टाइट डिब्बे में फ्रिज में स्टोर करें, हफ्तों ख़राब नहीं होता है और इसे आप कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें पुदीना वॉश करके रखें तो वो काला नहीं पड़ता है और उसका पानी हल्का सा ड्राई हो जाए। कॉटन के कपड़े पे आप थोड़ा सा फैला के सुखा लें। यहाँ पर 11 बज रहे हैं सुबह के, और मलाई मेरी एक डिब्बे में, बड़े डिब्बे में जो 1 किलो के बराबर है, इकट्ठी हो गई थी, तो उसका मैं बनाने जा रही हूँ मक्खन। मक्खन के बाद बनेगा घी। मक्खन मैं कैसे निकाली हूँ, मेरे पास है फूड प्रोसेसर। फूड प्रोसेसर में मक्खन निकालने वाला एक ब्लेड होता है, बट मेरा कई बार शिफ्टिंग हुआ है घर का, तो उस प्रोसेस में वो मक्खन बनाने वाला ब्लेड प्लास्टिक का जो होता है वो कहीं मिसप्लेस हो गया है, मिला नहीं मुझे। और यहाँ पर जो फूड प्रोसेसर में चॉपर होता है, ब्लेड, चॉपिंग ब्लेड होता है स्टील का, उसके साथ मैं क्या करती हूँ मलाई को अच्छे से फेंट लेती हूँ चला के, और मलाई काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। और फिर गर्मी के मौसम में आप इस मलाई को इस तरह से फूड प्रोसेसर में चलाने के बाद ठंडा ठंडा बिल्कुल पानी डाल दें, ऐसा पानी डालें कि आपका हाथ उसको सह ना सके, इतना ठंडा डालें। तो और अच्छा खासा पानी डालें, अगर आपके पास 1 kg मलाई है तो 2 से 3 लीटर आप पानी डालें और उसमें इस मक्खन को अच्छे से वॉश कर लें, तो जो भी इसमें दूध है वो निकल जाएगा और आपका प्योर मक्खन पानी में बिल्कुल इस तरह से अलग दिखेगा। तो यहाँ पर मेरा इस तरह से मक्खन निकल चुका है, जो बहुत इजी मेथड के साथ है ना। मुझे हाथ से इसको बहुत फेंटना था मलाई को, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस फूड प्रोसेसर में चॉपिंग ब्लेड के साथ मैंने उसे चला दिया जिससे वो काफ़ी स्मूथ हो गया। और फिर इस तरह से ठंडे पानी के साथ उसे हम मक्खन कलेक्ट कर लेंगे। तो जब भी आप इस तरह की मलाई इकट्ठी करते हैं तो गर्मी के मौसम में ये आप मेथड करें तो आपका मक्खन बहुत ही ईजली होगा। बिल्कुल ठंडे पानी में आप उस मक्खन को डालें और आप जो भी एक्स्ट्रा दूध है वो निकल जाएगा और आपका सॉफ्ट मुलायम मक्खन निकल जाएगा। घी बनाने के लिए जब भी आप इसे मक्खन को पिघलाते हैं तो यहाँ पे दिखा रही हूँ, जो घी का थोड़ा सा वेस्ट निकलता है वो हल्का सा ब्राउन हो जाना चाहिए, लाइट ब्राउन। जैसे ही आपका वो जो वेस्टेज है वो लाइट ब्राउन इस तरह से हो जाए तो गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसे आप किसी भी कंटेनर में ट्रांसफ़र करके स्टोर कर सकते हैं। तो जब हम मक्खन से घी बनाते हैं तो जो हमारा वेस्टेज है वो बहुत कम निकलता है और घी का स्वाद बहुत अच्छे से बढ़कर मिलता है। तो मैंने अभी घी को छान लिया है और वेस्टेज बहुत कम निकला है मक्खन बनाने के बाद अगर आप घी बनाते हैं, और आप देख सकते हैं जो वेस्टेज है उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होना चाहिए तब आपका घी पका हुआ होता है। तो इतना कलर आने के बाद अगर आप घी गैस से उतारते हैं और स्टोर करते हैं तो घी सालों ख़राब नहीं होता है। अगर उसका जो वेस्टेज है बहुत कच्चा सा रह जाए वाइट कलर में ही, आप गैस बंद कर देते हैं और छान के रख लेते हैं घी को, तो घी के ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और इस तरह से महीने में मुझे 1.5 से 2 किलो घी घर पे मिल जाता है बना हुआ घर का, और 2 से 2.5 लीटर दूध लेती हूँ उसकी मलाई से इकट्ठा करके मुझे इस तरह से घी तैयार मिलता है। यकीन माने बाज़ार के कंपेयर से घर के घी का स्वाद बहुत बेहतरीन होता है। अगर आपने कभी ट्राई किया हो तो घर का घी ज़रूर ट्राई करें और फिर बाज़ार का ट्राई करें, आपको बहुत अंतर मिलेगा। तो घर पर घी ज़रूर बनाएं। आज लंच रेसिपी में इडली बनने जा रही है और उसके साथ बनने जा रहा है जो सांभर की तरह होता है अवियल रेसिपी, जो केरला की ऑथेंटिक रेसिपी है अवियल। तो यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ इसमें जाती है, सब्जियों में बाद में दिखाती हूँ, मैंने घुमा दिया है अभी कैमरा। यहाँ पे लहसुन, अदरक, प्याज और ये फ्रेश कोकोनट है, और ये भिगो दिया है मसालों में, खसखस, तिल और थोड़ा सा मेलोन सीड्स है, काजू है, काली मिर्च है, एक इलायची है, इनको भिगो के रख दिया है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, और इसकी भी हम वाइट ग्रेवी तैयार करेंगे। तो 1 से 2 घंटे के लिए इनको भिगो सकते हैं। खसखस है, तिल है, मेलोन सीड्स है, काजू है, मतलब हमें वाइट ग्रेवी बनानी है तो उसी हिसाब से हमें इंग्रेडिएंट्स लेना है कि हमारी ग्रेवी वाइट बन सके। प्याज, अदरक, लहसुन लिया है, एक तेज़पत्ता लिया है और
फ्रेश कोकोनट लिया है, ये तो हमारी ग्रेवी बनाने के काम आएगी। सब्जी में आप देख सकते हैं बीन्स है, गोभी, गाजर, आलू और मटर है। अच्छा, मैं वाइट ग्रेवी कैसे बना रही हूँ, मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है जो हॉट एंड कोल्ड सेफ मेड के नाम से इस अप्लायंस को जानते हैं, और इसी में ये बॉयल हो जाता है, कुक हो जाता है और ऑटोमेटिक ग्राइंड हो जाता है। तो इसी तरह से मैं सूप भी इसमें बनाती हूँ, जब मुझे मसाला कोई कुक करके ग्राइंड करना होता है तो मैं इस अप्लायंस का यूज़ करती हूँ। 15 मिनट के टाइमर पे रख के वो चीज़ मुझे मिल जाती है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ कुक करके ग्रेवी बनानी है तो आप उसे पतीले में कुक कर लें और ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लें। यहाँ पर सारी सब्जियों को मैं एक साथ डाल के फ्राई कर रही हूँ और इसमें रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है मैंने। वन बाई वन सारी सब्जियों को डाल दिया है। जो मटर लिया है वो फ्रोज़न है और सारी सब्जियाँ फ्रेश हैं। सब्जियाँ आप अपने मनपसंद के हिसाब से भी डाल सकते हैं। आवियल रेसिपी में बहुत सारी सब्जियाँ जाती है जो ऑथेंटिक केरला की रेसिपी है। मैंने जो 5-6 सब्जियाँ डाली हैं वो अपनी मनपसंद के हिसाब से डाली जो मुझे अच्छी लगती हैं। नहीं तो केरला ऑथेंटिक स्टाइल रेसिपी में बहुत सारी सब्जियाँ एक साथ डाली जाती हैं, जिसमें कद्दू भी होता है, जिमीकंद होता है। अगर आप उसकी डिटेल रेसिपी देखेंगे गूगल पे तो बहुत सी सब्जियाँ आती हैं, लेकिन अगर घर पे आप बना रहे हैं अपने हिसाब से तो 4-5 सब्जियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो ये मेरे स्टाइल में है थोड़ा। और इसकी ग्रेवी में सिर्फ कोकोनट वाटर डाला जाता है, कोकोनट मिल्क डाला जाता है। मैंने कुछ मसाले और कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऐड करके इसकी वाइट ग्रेवी तैयार की है, जिसके साथ ये बहुत अच्छा जाता है। इसकी थोड़ा स्पाइसीनेस बढ़ाने के लिए आप थोड़ी सी काली मिर्च का थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और ये सब्जी बहुत थोड़ा सा अलग दिखती है, थोड़ा अलग टेस्ट होता है। अगर आप रोज़ की मिक्स सब्जी के साथ बोर हो गए हैं तो ये सब्जी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और ये मैं इडली के साथ बना रही हूँ, जैसे इडली के साथ आपने सांभर खाया होगा तो इस रेसिपी को भी इडली के साथ आप फॉलो कर सकते हैं, हेल्दी है और एक नया टेस्ट मिलेगा। ऑथेंटिक केरला स्टाइल में अवियल रेसिपी थोड़ी सी ड्राई होती है। मैंने यहाँ पे सांभर की थोड़ा सा इसे लूज़ रखने की, मतलब ग्रेवी को थोड़ा सा कंसिस्टेंसी काफ़ी ढीली रखने की कोशिश की, ताकि इसमें हम इडली को डिप करके खा सकें। अगर आपको केरला स्टाइल में बिल्कुल ड्राई सब्जी चाहिए तो आप इस पॉइंट पे, जैसे अभी आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पे गैस को बंद करके इसे एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं। लेकिन मेरा इडली के साथ है तो मैं इसमें थोड़ा सा साइड में गर्म पानी और किया है मैंने, और इसमें थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड करूँगी, और एक सांभर जैसे स्टाइल में इसे टेक्स्चर को मैं मेंटेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा पानी और ऐड किया है, बॉयल पानी ऐड किया है, और इसे एक बार अच्छे से बॉयल आने दूंगी, और उसके बाद गैस बंद करके ये रेसिपी हमारी इडली में जाने के लिए तैयार है। तो बॉयल आ चुका है, तो यहाँ पे हमारी केरला स्टाइल और मेरे स्टाइल में अवियल रेसिपी तैयार है, हेल्दी है। अगर आप कभी बनाना चाहें इस रेसिपी को ट्राई करें हेल्दी वे में तो बिल्कुल कर सकते हैं। और बस इसे मैं सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। कभी खास मौक़ों पे भी आप ये सब्जी ट्राई कर सकते हैं, आपकी किट्टी पार्टी है या कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए भी ये रेसिपी थोड़ा सा नई रहेगी, और देखने में हेल्दी भी है और खाने में भी हेल्दी है, तो ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी जो सुबह की दही जमाई थी वो दही सेट हो चुकी है, लंच मेरा बन चुका है। तो इसके बाद मैं कुछ, अगर मेरे कपड़े होते हैं तो मैं वो वॉश कर लेती हूँ, डेली के डेली कपड़े निकाल देती हूँ। तो लंच करने के लिए मेरे पास अभी 1 घंटा है, और 1 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। ठंडा होने के बाद ये दही बहुत अच्छी लगती है। यहाँ लंच का टाइम हो गया है और मैंने सर्व कर दिया है सूजी की बनी हुई इंस्टेंट इडली, और इसके साथ अवियल रेसिपी है, और इसके साथ लहसुन और लाल मिर्च की तीखी वाली चटनी है, जिसे हल्का सा पानी डाल के मैंने कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी ढीली कर दी है। और इसके साथ हम घर की जमाई हुई थिक दही सर्व करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी जल्दी बनने वाली मेरी यहाँ पर लंच थाली तैयार है। तो यहाँ पे दही सर्व कर रही हूँ जो बिल्कुल गाढ़ी मलाई के साथ जमती है। तो मैं जब दोबारा दूध बॉयल करती हूँ तो जिसमें मलाई पड़ती है उस मलाई के साथ मैं दही जमाती हूँ, बहुत स्वादिष्ट लगती है। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, स्किन शाइन के लिए अपनी डाइट में दही को ज़रूर शामिल करें। तो पूरी वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आगे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के साथ बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि आपको जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी नई वीडियोज़ देख पाएं। इस वीडियो में जो भी मैंने छोटे टिप दिए हैं उन्हें फॉलो करेंगे तो आपको भी यूज़फुल लगेंगे। साउथ इंडियन अवियल रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। मिलती हूँ ऐसे किसी नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care of yourself. Bye-bye.